ना मैं ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम ना जापै। ना मैं ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम ना जापै। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापै। कौड़ी बदलै जन्म गवाया, चीनस नाही आपै। गुरमुख होवै ता एको जाने, हों मैं दुख ना संतापै। बलिहारी गुरे अपने बिटों, जिन साचे सिहों लिवलाई। शब्द चीन आत्म पर गासिया, सहजे रिहा समाई। रहा सच्चा तीर्थ जित सत सरन हावन, गुरमुख आप बुझाए। 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए, तित नहतै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, नामल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची साला, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुर्मत कहन ना जाए। हुक्म होवै ता निर्मल होवै, हों मैं विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अग्न बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता, सहजे रिहा समाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चै नाए प्यारे। एको सच्चा सब मह वरतै, विरला को विचारे। आपे मेल लहे ता बख्शे, सच्ची भगत सवारे। सब हो सच 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 वरतै, गुरमुख कोई जानै। जम्मण मरना हुक्मों वरतै, गुरमुख आप पछाणै। नाम त्याए ता सतगुर पहाए, जो इच्छै सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विच्चों आप गवाए। नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विच्चों आप गवाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल शब्द सतगुरु, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सतसंगत जीओ, वडभागी हाँ गुरु शब्द नाल सांझ पा रहे हैं। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्या विच सूही राग दे अष्ट पदे ने गुरु अमरदास साहब जी का पावन संदेश है। लमेरा शब्द है। एक सरसरी नज़र मुख सुनेहे ते उपरंत पंज नंबर पदे तो विचार अगे तोरांगे। साहब जो जिक्र कर रहे सी, बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन साचे स्यों लिवलाई। अपने गुरु तो मैं बलिहार जाना, कुरबान जाना, जिन्हें मेरी सच न लिव लगा दिते। बड़ी लगातार बात हो रही है हर रोज़ इस पदे की व्याख्या दे विच। मायने यही ने कि वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टूवर्ड दोज पर्सनैलिटीज, टूवर्ड दोज डिवाइन एबिलिटीज हु हैज़ हेल्प्ड अस टू अटेन आवर
spiritual destiny. And in this scenario, we are talking about Guru Nanak's institution of Guru. So, us Guru institution to balihar jaiye, kurban jaiye, jinne sach na live la ditti, jinne sahi raah vikha ditta. Jinnu sahib ne kya siga ki bhule marg jinne bataya, aisa gur vadpagi paya. Bhuli manukhta nu sahi raah vikha ditta, aise gur ton balihar jaiye, kurban jaiye, apna aapa vaariye. Naal di लाइन है सराहाओ दे पदे दी शब्द चीन आत्म प्रगासिया ये किस रूप दे विच सानू मदद करेगा सानू बख्शिश करेगा गुरु इंस्टीट्यूशन शब्द चीन शब्द दे जरिए सानू आत्म चीनन दी मदद करेगा सानू इनलाइटेड करेगा ते सहजे रहा समाई शब्द दे जरिए जो तुसी सराते तुरांगे ते फिर असी चाहांगे भी ते शायद असी बदल नहीं पावांगे अपने आप बख्शिश हुंदी लगी जाएगी ये रहा उहदा बंद आ हुण जिस पदे ते अज असीं हैगे आ पंज नंबर पद आया सब गुरु अमरदास साहब जिक्र करदे ने सच्चा तीर्थ जित सत सरनावण गुरमुख आप बुझाए बिफोर आई अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर लाइन वी शुड पे अटेंशन टूवर्ड द गुरु अमरदास साहब्स ओन एक्सपीरियंसिस और ओन एक्चुअल लाइफ चॉइसिस गुरु अमरदास साहब वो हस्ती ने जिहड़े अराउंड 70वें दे विच सीगे जदों गुरु अंगद साहब कोल आए ने एंड अंटिल दैट पीरियड ऑफ टाइम गुरु अमरदास साहब यूज टू डू ए लॉट ऑफ रिलीजियस बाथिंग ऑल द सनातनी रिचुअल्स विच एक्चुअली मोस्ट ऑफ द सोसाइटी वॉज डूइंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जिदे तीर्थां ते नाना गंगा स्नान करना हो रहा हो जे कर्म क्रियाकलाप करने बट वो जिहड़ी इनर क्लिंजिंग दी गल सीगी शुद्धता दी गल सीगी दैट वाजंट हैपनिंग अंदर दी जिहड़ी सारी खेड सी वो सारी लॉस्ट सी उस रूप दे विच फिर गुरु अंगद साहब कोल गए गुरु अंगद साहब ने दस्या ये मुशक्कत है ये काल है जिहड़ी जीवन दे एक्ट विच्चों लगातार करद्या 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 फिर एक दिन जिवें तुसी छोटा जिहा बीज लाउंदे हो बूटा बनदा है उहदी गोडी करदे हो फिर उहनूं एक दिन फल भी पैंदा है तुसी किसे खास एक रिचुअल विच्चों इह चीज़ अटेन नहीं कर सकते सो इस रूप नूं गुरु अमरदास साहब ने फॉलो किया तो फॉलो करद्या होया उस लैवल ते पहुंचे जिथे उन्होंने जिहनूं कहा जाए कि एंडलैस प्लेजर मतलब आनंद अवस्था उन्हें प्राप्त किया तो ऐसा प्राप्त किया कि पूरी की पूरी एक रचना आनंद साहब लिख दी आनंद साहब पूरी आनंद पाया मेरी माँ ए सतगुरु मैं पाया मैं सतगुरु इंस्टीट्यूशन नाल ऐसी एसोसीएशन बनाई है कि हुण तो खुशी तो बिना मल्हार तो बिना खेड़े तो बिना चढ़दी कला तो बिना अंदर दे खुशनुमा उस एहसासियत तो बिना होल एक्चुअली I can feel just happiness, just actually a limitless pleasure, nothing else. उस रूप च आ गए हुण जिस हस्ती ने इस सारे तजर्बे नूं आप हंडाया प्राप्त किया जदों वो बाणी रच रही है मानव कल्याण हित यू नो फॉर द ईच एंड एवरी इंडी एक्चुअली ह्यूमन बींग्स वेल बींग दैन डेफिनेटली गुरु अमरदास साहब विल put some shadow toward his own experiences jehde unna de apne tajrube vich cheezan aiyan sariyan nikal ke ith jehda bachan aaya hai sachcha teerth jit sat sarnavan banda teerth labh reha koi aisi dharmik jagah kaise aisa sthan jithe jaawan ja ke sab theek ho jaye mainu simple kehna wa bimar aadmi hai डे बाई डे हैल्थ खराब हो रही है कुछ इशू आ रहा है वो इको ही सुपना लै रहा है किसी दिन कोई ऐसी बात आए कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए कोई ऐसा इंडिविजुअल मिल जाए जिहड़ा बस जानी शफा कर दे ये चीज़ साड़ी सारे दी एक एक ह्यूमन साइकी है जिहड़ी चाहती है कि चीज़ हो जाए मेरी बिपता हरी जाए राइट वे हुण संसारी तौर पर थोड़ा रैशनल माइंड काम करता है कई बार तो वह भी नहीं काम करता अदरवाइज लोगों
एक्सप्लोइटेशन थोड़ा हो सकती लोगों की, अज भी तुसी देखो हो ही जाती है, कोई किसी दुख के विच आ तो यहोजे लोग मिल जाते हैं जोड़े कहें लै आप कढ़ देंगे तेनों बाहर की है आ तवीत लै लै आ धागा लै लै आ चीज़ लै लै एंड यू कैन सी देयर सो मैनी पीपल हू एक्चुअली बिकम काइंड ऑफ टारगेट फॉर दोज इंडिविजुअल्स उन्होंने बंद वास्ते लोग बड़े बड़े आसान टारगेट हो जाते सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं क्योंकि दे आर सीकर ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट सम काइंड ऑफ हैल्प सम काइंड ऑफ सोल्यूशन एंड समवन इज प्रोवाइडिंग जस्ट सेइंग ओके मैं कर देंगा जी इस तरीके नाल ये जड़ी एक्सप्लोइटेशन हैगी है ये तो आम संसारी तौर पर मिल जाती है उस लैवल से तो जो कोई अंदर की खेड वाली गल होंदी है पंजाब की फिजान दे विच तुसीं होर गल जिते गुरु साहब ने बाणी उपजाई जीवन जाच सिखाई पूरे दी पूरा माहौल जिहड़ा हैगा गुरमत नाल प्रणा के रख दिता गुरमुखी अखरां च उस दी जबान बोली सब कुछ सुरजीत किया उत्थे डेरे देखो किन्ने खुंबां दी तरह चार छपरे ये की है जिहड़े लोग सीकर ने किसी चीज़ दे समटाइम पीपल एक्चुअली वांट टू इंजॉय सम काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड सम काइंड ऑफ सेल्फ बैटरमेंट सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल टेस्ट इन हिज और हर लाइफ तो उत्थे लोग मिल जाते आ जाओ इत्थे असी कर देने असी कर देने जे पिछोकड़े चले जाओ तो सनातन धारा दे विच जिहड़ा प्रीस्टहुड सीगा जिहड़ी पुजारी श्रेणी सीगी वह कह रही सीगी आ जाओ असी कर देंगे तीर्थ बनाए सीगे हुण ह्यूमन आ वो एक दूजे ते बिलीव ही करेगा मैं जे हुणे एक CBC दे उत्ते प्रोग्राम सुन रहा सीगा अबाउट एक्चुअली ट्रैवलिंग बैक ऑन एरोप्लेन्स तो उहदे ते आ रहा सीगा कि पीपल आर सो डाउटफुल टू गैट बोर्ड अगेन ऑन प्लेन्स तो उहदे बारे डिफरेंट डिफरेंट रावां आ रही सीगियां उहदे बारे आ रहा सीगा कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे ने कि उत्थे जिहड़ा हैगा वायरस का स्प्रैड होने के चांसिस बड़े घट ने कंटैमीनेशन का लैवल घट है यह चीज़ा हो रही ने दो तीन एक्सपर्ट्स बोले जो लास्ट एक्सपर्ट जिहड़ा सीगा वो कहिंदा कि गल ये है तुहाडी गल मन लैने बिकॉज यू गाइज आर एक्सपर्ट्स एंड वी शुड बिलीव ऑन एक्सपर्ट्स बट इस गल नूं बैकअप करन वास्ते डाटा कित्थे है डाटा लियाओ जिन्नी देर तक साढ़े को प्रॉपर डाटा नहीं गा लोग उस तरीके एक्सपीरियंस नहीं करते उन्होंने बीमारी फैली नहीं फैली पता नहीं लगेगा उन्नी देर तक वी आर जस्ट इन एक्चुअली लिम्बो वी आर गिविंग टोटली रोंग इनफॉर्मेशन सो हुण की है असी रैशनल माइंड कम गल्लां करते हैं इस तरीके दे नाल अदरवाइज बिलीव ही चलता है किसी ने कहता भी आ चीज़ तुसी आम माफ़ी मंगागा आम साढ़े घर थावां च देखो किसी नूं एक कोई पेन किलर सूट कर गई उन्हें क्या पेन किलर खाधी ये मेरी जड़ी हैगी ना हैडेक ठीक हो गई या मेरी माइग्रेन ठीक हो गई दूजे हो सकता तेरा रीज़न होर होए इन अपील करती हुए दूसरे नूं बिना किसी प्रॉपर डायग्नोस तो उसने कहा तू भी हाला लै फट मेरे ठीक हो गई लग गए मैं तो एडिक्शन देखता हाँ कि वड्डे लैवल से एडिक्शन कितों डिवेलप हो रहा है पीपल आर ट्राइंग टू सैल्फ मैडीटेट और जिहड़ा सैल्फ मैडिकेशन दे आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली दे आर यूजिंग दीज सबस्टेंसिज टू गैट आउट ऑफ देयर सम फिजिकल पेन सम फिजिकल स्ट्रैस सम फिजिकल इशूज देर थिंकिंग ओके इन्नी क ब्रांडी पीन इन्नी क दवाई पीन इन्ना क नशा करन दे नाल तो जो लोंग रन दे विच वह बीमारी बन जाती उन्हें पता नहीं पहली बीमारी ठीक की नहीं की पर लोंग रन दे विच की होया वह आप एडिक्शन बन गई आप प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उस रूप दे जिहड़ा ये सनैरियो आ कि तीरथ आ पानी का कंडा आ तो पानी की तुसीं सिंपल ये हैगा पानी च हाथ पाते हो हाथ की मैल धुप जाती है फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिता भी लै मैं तो गया सीगा उते तुसीं आम देखो सुखना वाले स्थान है हो जो स्थान किद्दां बिल्ट हुई तुरे लगे जाते लोगों का जिन्हों देखो कुछ रूपां दे विच मॉडर्न साइंस च आ जाइए गुरबाणी बिल्कुल सही रूप सानू सच दे नेड़े लै जाती है साइमन फ्रॉयड की जिहड़ी बड़ी वर्ल्ड फेमस उहदी गल है जिहड़ी कोट की जाती है फिजिशियन सीगा वो कहिंदा मेरे कोल लोग आउंदे ने दवाई लैण वास्ते इन जनरल डे दे विच मैं 10 बंदे आए उन्होंने सही डायग्नोस किया उन्होंने अकॉर्डिंगली उन्होंने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो
मेडिसिन प्रोवाइड की थी, बुखार दी, नज़ले दी, जुकाम दी, किसी चीज़ की भी। 10 आए, डायग्नोस प्रॉपर किया, दवाई नहीं दी, जस्ट कुछ होर किसी तरीके नाल, जस्ट उन्होंने कोई इस तरह ही फेक मेडिसिन देती, जी जस्ट इंज कह लो कि सिंपल को आटे का चूना, आटे का जोड़ा है चूरा है, नथिंग एल्स। होया ए जो दो हफ्ते दो हफ्ते बाद देखा, जिन्होंने प्रॉपर मेडिसिन दिती उन्होंने 10 विचों 5 ठीक हो गए, जिन्हें 10 प्रॉपर मेडिसिन नहीं दिती उन्होंने 5 ठीक हो गए। इन जनरल ये चीज़ा हो जाए, साडे बॉडी का क्योरिंग सिस्टम है अपने आप काम करता है, या होर बहुत सारी चीज़ा जिहड़ियां तुहाडे मन पसंद मुताबक हो जाएं ने। लोग उस चीज़ के उत्ते बहुत वड्डा सोचते हैं शायद, क्योंकि इत्थों फिर एक सुपरस्टिशियस थिंकिंग बननी शुरू हो जाती है। तीर्थां बारे भारतीय खिते दे विच एक अजीब तरह की हालत बन गई, गुरबाणी नूं पढ़ोगे तुसीं एक तो बाद एक शब्द आउंदे लगे जाण। गुरु नानक साहब की पहली लाइन पढ़ो जपजी साहब की, महाराज ने कहा धरती दे लोको, देखो सनातनी वर्ड यूज़ किया बाबा जी ने, पंजाबी का नहीं, टिपीकल जिहड़ा वर्ड हैगा आ, खास करके जदों असीं पंजाब की फिजा में देखते हैं प्राकृत विच जिहड़ा लफज आउंदा हैगा वह आउंदा नहाउणा धोणा, इस रूप दे विच जिहड़ा सुचमता दे नाल रिलेटड सोच नाल सोच करनी शौचालय यूज़ करना, यह वर्ड है ही सनातनी धारा दे विचों आ रहा। बाबा जी वर्ड केड़ा यूज करते, सोचै सोच ना हो गई। तू जिन्नी मर्जी सोच कर लै, जिन साहब ने कहा कि चेते रख सोच करै दिनस अर रात, मन की मैल ना तन ते जात, करी जा रात दिन। ये मन की मैल थोड़ा लै जाएगी, अज OCD च असीं देखते हैं, आ पेंडेमिक है ये तो बाद जो तो आफ्टर जिहड़ा हैगा ये इंपैक्ट या ये कॉन्सिक्वेंस देने बड़े जबरदस्त आने, मैंटल हैल्थ होर जगह देते हो सकता कल असं तो बहर आ जाइए, बट जी हैबिचुअल लोगों ने एक जिस चीज़ वैसे यूज टू हो गए लोग, एक हैबिट अडोप्ट कर ली बार बार हाथ धोने की और किसी चीज़ को ना टच कर हर वक्त, एक वड्डा हिस्सा हो सकता ये नाल ही जिहड़ा पूरी तरह स्टक हो जाए, किसी हाथ ही ना मिला सके, एक वड्डे लैवल पर प्रॉब्लम ही आ जाती बंदे, क्यों? क्योंकि रीज़न यह है कि उन्हें लगता कि नहीं नहीं जर्म्स आ जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी इस रूप के हूँ, यह है कि बंदे लगा कि हाथ गंदे हो जाते हैं, हाथ पैर गंदे होते हैं, पानी ना धोवो धुप जाते हैं, सोचे अच्छा अंदर दी मैल तंग करती है। ये रियलिटी है, बंदा जो अमल जो कर्म किसी इन्फलूएंस में करता है, इन्फलूएंस इतना जबरदस्त होंगे, जिवें साहब कहते पाप करे पंचा के बस रहे, पाप कि इन्फलूएंस किया पंजा दे बस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कित जोर पा गया, क्रोध ने जोर पाया किसी का नुकसान कराता, वाशना ने जोर पाया राह भुल गया, कितने मोह ने जोर पाया किसी होर का हक मार के अपने किसी मैंबर के नाल कुछ चीज़ कर दी, हंकार ने जोर पाया किसी का दिल दुखाता कुछ करता, मुड़ के सारी रात नींद नहीं आ रही, आह की बन गया आह की बन गया, एवें थोड़ा करना से, पाप करे पंचा के बस रहे। फिर एक प्रिस्टहुड आ गया, उन्हें कहा डोंट वरी, थिंग्स हैपन बट डोंट वरी, वी हैव द वे आउट, जस्ट कम हेयर, टेक बाथ ओवर हेयर इन दिस एक्चुअली पॉट, इन दिस रिवर, इन दिस एक्चुअली जो हैगा वाटर बॉडी, एंड आफ्टरवर्ड यू गोना बी आउट ऑफ दिस होल पाप और होल सिन, आई विल गारंटी यू। लोग करन लग गए, फिर होया कि एक आदत बन गई, आदत यह बन गई कि बंदे ने कर लिया, जिन साहब ने कहा पाप करे पंचा के बसरे, तीर्थ नाए कह सब उतरे, बहुर कमावे होए निसंक, निसंक हो गया, निसंक बिल्कुल होने तो परवाही कोई नहीं, जो तो सोल्यूशन हैगा या तुम देखो, सॉरी टू से जी हैगी कैनेडियन साइंटिस्ट द्वारा डिवेलप की गई मेडिसिन जी इंसुलिन असी लै लें डायबिटीज़ तो, कितनी हेल्पफुल है, कितनियां अरबां अरबां करोड़ां करोड़ां लाइफ उन्हें सेव कीतियां होणगियां। पर हकीकत यह है, एक ये भी चीज़ आ, बंदा मैं तो आम पंजाबी समाज सुनिया है रात को पार्टी है तो लोग गल्लां कर रहे आपस में, वो पार्टी जाना है, वो नहीं नहीं पार्टी तो नहीं जाना, शुगर हो ड्रिंक हो जाती उत्थे, वो कोई गल नहीं गोलियां दो होर खा ली की फर्क पेगा, वो चक चक तू आ दो बर्फी के पीस होर चक की फर्क पेगा, गोली खा ली एक होर, मीन उन्होंने कहा गल ही कुछ नहीं है,
बहुर कमावे होए निसंख। इसने लाइफ से सेव जरूर की इंसुलिन उस लैवल से लैंड से, पर नाल दिन फेक कॉन्फिडेंस ही पैदा करता भी मेडिसिन हैगी, इट विल कवर, डोंट वरी। इस कि गल हैगी ओदे नाल, बल्कि हो सकता है जे बंदा परहेजगार प्रिकॉशंस लैके चलता शायद ज्यादा हैल्दी रहिंदा, लंबा समा शायद हो सकता है फैटी लीवर ना हुंदा, शायद उस लैवल ते जिहड़ा किडनियां फेलियर ना हुंदियां, उस लैवल ते नज़र जिहड़ी है ना जांदी, उस तरीके नाल शरीर दे ऑर्गन जिहड़े ना जांदे। पर हुण हुण की, हुण फेक कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली इहो जिही धर्म ने कीता, अदरवाइज लोग इन्ना समाज गंदला किवें हो जांदा। इन जनरल एथिक्स की गल करिए, असीं गरीबी दुनिया के होर खित्यां च भी बहुत हैगी है, गुरबत बहुत है। कभी तुसी गए होवो इधर जिहड़े हैगे ने लैटिन आइलैंडस या कंट्रीज़ वगैरह हैगे आ, वेनजुएला तो लैके होर जगह, तो क्राइम भी है, सारा कुछ हैगा। पर मैं हमेशा देखा है लोग प्रेज करते हैं, पीपल हैव सम एथिक्स, पीपल हैव सम काइंड ऑफ जिहड़ा हैगा उन्हें वैल्यू बेस्ड सिस्टम मिल जाता तुहानू इस तरीके दे नाल। गुरबत है, गरीबी है, पर इहदे मुकाबलतन साढ़े उत्थों की बात करो तुसी, करप्ट। रीजन की हो गया, क्योंकि जो तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की बात लगातार आँदी लगी है, तो कोई ये अपवाद नहीं है, नन वी कैन एक्चुअली पुट एनी ओन एक्सैप्ट एक्सैप्शनल वे भी दिस इज एक्सैप्शन, नो थानू हर जगह पर जिहड़ियां चीज़ां मिल जाएंगी उस तरीके। सो ये चीज़ा रूप दे गुरु बाबा जी ने, गुरु नानक साहब ने कहा, वह धरती के लोगो बेसिक चीज़ में समझो, जपजी साहब जी आ जाओ, इस तो वधिया रैशनल थिंकिंग ही देंगे बाबा जी, भरी है हथ पैर तन दे, पानी धोता तो उतरस खे। बाबा जी कहते मैं थोड़ी गल अंडरसटैंड करदा पूरी तरह, मिट्टी लग जाए हथा पैर धो लवो। पर इसे लॉजिक नाल मेरे नाल एक पाली नाल रहा जे, मूत पलीती कपड़ होए, सवेरे एक शर्ट पाई है कोई जड़ा है कपड़ा पाया है, शाम को उतार दो जिवें सवेरे पाया से उवें दा नहीं रह गया, रीजन बॉडी ऑर्डर चला गया। हुण तुसी कहो कि पानी जड़ा इहदा इहदे च पिया होया मेरा पलीत जड़ा बॉडी ऑर्डर जड़ा पसीना वगैरह अंदर गया वह कढ देगा, नो वे। पानी की एक लिमिटेशन, एक लिमिट है पानी की, उस लिमिट तो बाहर जाके पानी कल्ला कुछ नहीं कर सकता, उत्थे दे साबून उहनूं साबण देना पएगा, ता जाके उहदे विच पिया होया जिहड़ा बॉडी ऑर्डर साडा अपना ही पलीत है पसीना है वह निकलेगा। पर यह मत पापा के संग, मत दे विच जो कूड़ जो विचारां ख्यालां दे जरिए गर्द पाई अंदर तू, वह ना आके किवें निकल जाएगी तेरी, वह ना निकले एवें, वह तो तेनों प्रॉपर काम करना पैना। गुरु नानक साहब का बचन है, तीर्थ नावण जाऊं तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसहरा। बाबा जी कहते मैं किसी गल तो भी बागी नहीं, ना तीर्थ तो, ना नहाण तो, ना दस पुरब दसहरा, इन्हों चीज़ों तो। पर दुनिया के लोगो की कर रहे हो, जिहड़ा असल नहाना आ वो ये नहीं गा कि पानी च नहा लिया जाके, ना ना ना, असल नहाना तो यह है तुसी अंदर दी दुनिया नू देखो, विगड़ी किवें है, खराब किवें होई है, माड़े इन्फ्लुएंस करके, माड़े विचारां करके, माड़ी संगत करके। वी आर डूइंग सम बैड स्टफ ड्यू टू आवर बैड हैबिट्स, बैड ट्रेट्स, बैड थॉट्स, बैड कंपनी, ऑल दीज थिंग्स। इफ वी रियली वांट टू सी अ डिफरेंट पर्सन, देन वी हैव टू चेंज ऑल दीज थिंग्स। ये किवें हो सकता, तुसी उस कुछ भी ना बदलो तो सोचो कि काम ठीक हो गया। घर जगह जगह पर कालख डिग रही है, तुसी चार वारी शावर चो नहा के बाहर आ जाओ, कालख फिर डिगेगी उत्ते। जिहड़ी कालख डिग रही है उहदे ते भी तो काम करो ना, उहनू ध्यान देवो। सो गुरु बाबा जी उहदे ते बेसिक ते बल कर दे, ते कहिंदे ये कोई बहुत औखा काम नहीं हैगा। असीं बचन पढ़ते हाँ, महाराज जिक्र कर दे कि जिहड़ा हैगा जे तुसी सिर्फ पिंडा धोई जाओगे, अपना हाथ पैर धोई जाओगे, ये नाल अंदर दी दुनिया ये ना कल धुपीए ना अज धुपेगी ना आंदे कल धुपेगी। इत्थे ये है कि आ जिहड़ा बचन आया सच्चा तीरथ,
गुरु अमरदास साहब कहिंदे, मैं भी गुरु अमरदास साहब नहाते रहे गंगा ते जाके होर जगह ते जाके, पर वो सब नहाना किस लेखे च जे जीवन की सही अप्रोच ना अडोप्ट की थी। इस करके क्या आओ तुसी इधर उधर ना भटके आ जाए, मैं तुम्हें सच्चा तीर्थ विखाना असल जिड़े जिथे जाना आसी जिड़ी जिड़ी साड़ी सही रूप स्पिरिचुअल हैल्प हो सकती हैगी है। सच्चा तीर्थ जित सत सरन आवन, जिथे जाके सच्चा नहाना वापर सकता सही रूप दे विच। होर नू सरल कर दिया असी कहांगे नहाण की बजाय पाठ करो। बाणी कहिंदी पाठ भी करना सीखो ना, करना सीखो का मतलब यह नहीं कि स्पैशल स्पैसीफिकली तुसी जस्ट शुद्ध उचारण की कल की गल है। शुद्ध उचारण तो बंदा सीख लैंदा दो चार दस पंद्रह भी दिन मेहनत करे तो एक्चुअली उदे विच जो मैसेज है जो एसेंस है जो उदे असल दे जो सबसटेंस है वो अंदर आर यू एबल टू ग्रैब इट, तू पकड़ सकदा इसनों। जिवें तुसी बच्चे नूं ये कहो कि डोंट वेस्ट यू टाइम टू प्ले जस्ट वीडियो गेम्स, रीड टैक्सट बुक्स प्रॉपर बुक्स, डिवेलप योर गुड हैबिट्स, यहोजी 15-20 इंस्ट्रक्शन लिख के दे दिओ। बच्चा की करे सारिया याद कर ले, रट ले बिल्कुल पक्की तरह। तुसी उन्हें कहो कि तेनों कुछ इंस्ट्रक्शन दित्तियां सीगियां, तो कह यस आई नो आई कैन टैल यू सारिया, वो इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल याद ने। जो गल आए ओके आर यू फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शन, नो वट मायना किसी फिर देन दा, यू आर रीडिंग दैम यू नो बाय हार्ट दैम बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट पुटिंग दैम इन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चीज विच भी लैके आ ना उसनों। गुरु अमरदास साहब ने कहा देख सच्चा तीर्थ सिखा रहा तेनों, ये सिर्फ विखावा नहीं हैगा बचन आ सच्चा तीर जित सतसर नामन गुरमुख आप बुझाए, गुरु वल मुँह करके नू बुझे गुरमुख आप बुझाए। ये भी चीज़ है कि जिहड़ी ह्यूमन माइंड दी सारी गेम आ सारी खेड आ ये बड़ी कॉम्पलैक्स है। मन एग्री कर जाता है, मन जाता है, समझ जाता है सब कुछ, पर उन्हें फॉलो करेगा कितना समा करेगा यू डोंट नो, खुद नूं नहीं पता। मैं तो कई बार कहना पंजाबी दा सी ना कई बार ईडियम यूज करते हैं, ईडियम यह हैगा भी सौं दईए जी दी पुत दी ना धी दी। कई बार ना बच्चा कुछ कुछ किसी किस्म की शरारत करे एनी कि एक्चुअली मेक्स एनी काइंड ऑफ एरर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक एंड सम टाइम पेरेंट्स एक्चुअली गैट इनवॉल्व वेरी बैडली एंड दे सेइंग नो 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 साडा बच्चा एवें नहीं कर सकता। सियाणे ने कहा इन्ना विश्वास नाल नहीं किया जा सकता, बच्चा बच्चा ही है यू नेवर नो। तुसी कड़ा दे मन च बैठे हो वो किवें सोचता की करता है। इस करके प्रॉपरली चीज़ नू अंडरसटैंड करो फिर कहो। जिहड़े ये ईडियम आ ये कहिंदा है कि तुसी जे सहु देनी है भी किसी नू बिल्कुल इंश्योर करना कि यस कोई गलती नहीं की, तुसी सिर्फ अपनी कह सकते हो या कोई गलती नहीं करेगा अपनी कह सकते हो कि हाँ मैं गलती नहीं करांगा या मैं गलती नहीं की। कुरबाणी के मुताबिक तुसी अपनी गरंटी भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अजे तक हो सकता है नहीं की, माहौल नहीं बनया, मन का की पता अगले पल कर दे यू नैवर नो। सो इस करके बी अवेयर अबाउट इट यू नैवर नो। ये बड़ा बड़ा कॉम्पलैक्स आ, इस कॉम्पलैक्स टूल के नाल तुसी डील करना है उहदे वास्ते यू नीड हैल्प। गुरु तो वधिया कोई हैल्प नहीं है। गुरु का मतलब ये है एक ऐसा एनवायरमेंट तुहानू बिल्ड करके देना जिवें सिंपल आ गुरमत आशे गुरमत गाड़ी राह ते तुरो, चंगी संगत करो, बाणी पढ़ो, गुरुद्वारा सेवा इन्हां सब चीज़ां नाल जुड़े रहो, आप ही बंदा बदल जाता है। अज असी रिहैब कल्चर च काम करते हैं, रिहैबिलिटेशन के अंदर एडिक्शन साइड के उत्थे कहा जाता 21 दिन हैबिट जिहड़ी हैगी है वह बदल जाती है, 40 दिन आ चीज़ हो जाती एग्जैक्टली तुहानू गुरमत स्कूल चीज़ा लगनगियां, तुहानू पता लगेगा कि जे असीं कुछ चेंजेस लैके आने हैं तुहानू एक कंसिस्टेंटली लगातारता दे नाल कुछ स्कूल नू किसी विचारधारा नू फॉलो करना पएगा, फिर जाके तुसीं थोड़ा बहुत चेंज देख सकते हो। गुरु मुताबिक यही है, साहब ने कहा यह सच्चा नाणा है, सच्चा तीर्थ जित सतसर नावन गुरमुख आप बुझाए। 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए, 68 8
60 plus 8 68 भारतीय खिते 68 तीर्थां दी गल कीती गई वड्डे धार्मिक स्थानां ते। मैं इन्नी क बेनती करांगा हो सकता कभी किसी ने बड़ा सोच समझ के गल कीती होए कि 68 तीर्थ बना दे लोग धार्मिक स्थानां ते जाणगे बिरती बदलेगी सोच बदलेगी हौली हौली हो सकता इन्हों का जीवन बदल जाए। दैट काइंड ऑफ माइंड सैट माइट बी दैट टाइम बट होया कि वक्त पा के तुसी देखो अज असी ईवन अपने असी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देखते हैं पीपल ईवन ओपनली पीपल से टू मी भाई साहब डोंट यू थिंक दिस इज ए कल्ट। मैं एक्सैप्ट करता कई बार हाँ भाई है चीज़ा ने क्योंकि जे उस जिस चीज़ वास्ते वो चीज़ बनी है जिन्होंने डिलीवर ही नहीं कर पा रहे उन्होंने तुसी उस लैवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे फिर देखना पेगा तो मीनिंगलैस हो गई। उ गुरु बाबा जी बात की महाराज कहते तू 68 तीर्थां ते ना पटके नहीं पटकन की लोड़ तेन तेनों मैं जोड़ा राह विखा रहा वो 68 तीर्थां ते जो जाके तू लभना चाहना प्राप्त करना चाहना तू ये प्राप्त कर ला। बचन आया ये 68 तीर्थ गुरु शब्द दिखाए जो गुरु के शब्द के जरिए मैं एक विजन बिल्ड किया अपना एक चश्मा ला लिया मैनु शुद्धता जीवन की असल उचेरी पद्धति जी है जी चंगेरी वे ऑफ लाइफ आ वह मैनू सीखण की जाच आ गई मैनू प्राप्त करन की जाच आ गई। 68 तीर्थ गुरु शब्द दिखाए तितना ते मल जाए वो नहान दे नाल मल जाए मैल चली जाती है। हुण मैल इनू किस लैवल ते एक्सप्लेन करिए यू नो मैल दी सिंपल ट्रांसलेशन फिल्थ बनती है जिहड़ी इनर फिल्थ आ जिहड़ी विच विच वी कॉल बैड डीड्स ये कम किदां करदी किस रूप दे विच आ। दो इंडिविजुअल फ्रेंड बने ने बड़ी वधिया इंटेंशन है एक दूजे नू इंटरटेन करन दी एक दूजे दा हैल्प करन दी एक दूजे तो हैल्प लैण दी पर ह्यूमन माइंड विच जिहड़ी क्रुकनैस जिहड़ी अंदर जिहड़ी अलामत पई है वह आ गई। वो एक ने सोचा मैं इहदा फायदा ना चुका मैं कुछ अपना जिहड़ा सैल्फ इंट्रस्ट दे जरिए लै लवां मैल आ गई। जे ना भी आई दूसरे बारे शक पैदा हो गया भी ये कितने मैनू यूज तो नहीं कर रहा मैल आ गई ये मैल आ फिर छोटी जगले अगले लैवल पर आ जाओ। संसार इस तरीके नाल ही है अदरवाइज रिश्ते सुख ना देन रिश्ते दुख दे रहे हैं। मोस्टली पीपल गो फॉर टूवर्ड रिलेशनशिप्स फॉर हैप्पीनेस बट वेयर दे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे एंड अप इन सम काइंड ऑफ क्वारलिंग सम काइंड ऑफ सफरिंग तो ये लोग ओपनली लोग कहें भी है ये मल अंदर दी मल आ जे बंदा पवित्रता अंदर लैके आता है उद्दे नाल ये भी है कहिंदे ने कि सेम तरह की एनर्जी जिहड़ी इवॉल्व होंदी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पता लग रहा इस लैवल से जिहो जे असी आप हो जे साढ़े साख जे बाहर मैनू कूड़ बहुत ज़्यादा मिल रहा मेरे अंदर भी कूड़ हो सकता है उत्ते काम कर। इतने गुरु बाबा जी ने बात की महाराज जिक्र कर दे 68 तीर्थ गुरु शब्द दिखाए तित ना तय मल जाए मैं गरंटी करदा गुरु अमरदास साहब कहिंदे तेरे अंदर दी मैल कटेगी। ये अगला बचन लिखा सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नाम लगे न लाए। ये शब्द ऐसा आ बहुत बड़िया यूनीक एग्जाम्पल ने बाणी दियाँ मतलब कई बार तो बंदा ऐसा हैरान हो जाता भी ऐसी एग्जाम्पल भी हो सकती। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नाम लगे न लाए। फ्लोर गंदा आ तुसी उत्ते मप कर दियो मप साफ है जे मप गंदा है तो फ्लोर तो फिर होगे फ्लोर साफ नहीं होएगा। यू हैव टू हैव क्लीन मप तुसी मप लिया क्लीन है फ्लोर गंदा उत्ते फेर दियो जिवें जिवें फ्लोर दे उत्ते फेर दियो फ्लोर साफ होना शुरू हो जाता है मप गंदा हो जाता है। यू नो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग यू कैन सी कभी ऐसा होए भी फ्लोर गंदा है मप साफ है तुसी मप लगाउंदे हो फ्लोर साफ हुंदा जिहड़ा मापिया जिहड़ा पोचा है वह भी साफ रहिंदा है इहो चीज़ देखोगे तुसी गुरबाणी है दिस इज ये है ये सच्ची इस रूप दे विच आ तुहाडी मैल भी ला दिंदी है ते ओ आप इतनी पवित्र चीज़ है साहब कहिंदे इहो जिहा मैसेज है। बचन आ रहा है साहब ने कहा सच्चा शब्द सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नाम लगा है ना लाए ना इनू मैल लगती ना कोई ला सकता नहीं तो अदरवाइज पानी भी है तुसी दो चार पांच बारी नहाओगे यूज करोगे मैला हो जाएगा साफ करना पड़ेगा। ये जिहड़ी चीज़ है ये एवर क्लीन है
अगला वचन लिखा, सच्ची सिफत सच्ची साला पूरे गुरते पाए। यदि सिफत जिन्नी करोगे उन्नी थोड़ी है, उन्नी सच्ची है, उन्नी वधिया है, पर पूरे गुरते पाए। गुरु ही इंस्टीट्यूशन है, और कोई गुरु के बिना कल्याण नहीं। वार बार बाणी कह रही है, दे सब रहमत करने ना आलमी वाक्यों चो चंगेरी प्रेरणा मिले, असी गुरमती हो सकी। होल ओवर द ग्लोब साड़ी एक वड्डी व्यूवरशिप टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए गुर शब्द नाल जुड़ रही है, साढ़े वास्ते खुशी का जड़ा है सबब भी है कि शब्द इस तरीके ने स्प्रैड हो रहा है। आपने भी जे किसी ने दसना हो जड़ा है सिख स्पिरिचुअल सेंटर SST चैनल हैगा, IPTV भी चल रहा है, YouTube ते भी लाइव स्ट्रीम जी है चलती है। उस रूप में 24 आवर प्रोग्राम चलते हैं, रिपीटिशन भी होंगी। इस रूप के यू कैन रियली इंजॉय दिस प्रोग्राम्स एंड स्पैशली गुरबाणी व्याख्या एंड एवरीथिंग ओवर देयर। इनिया एक बेनतियां लिखा चाहाँगा, भुला गलतियां माफ़ी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।